जब खाने का मन हो कुछ अलग हेल्दी टेस्टी इंस्टेंट ब्रेकफास्ट तो बिना सोचे इस पोहे के नए नाश्ते की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, जिसे हमने बिना सोडा बिना इनोका से 15 मिनट में बना के तैयार किया है। साथ ही में हम इस नाश्ते के साथ खाने के लिए 2 मिनट में बहुत ही टेस्टी चटपटी आसान चटनी भी बनाएंगे। तो ये दोनों जब आप खाएंगे और परोसेंगे तो आपकी बहुत तारीफ होगी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं श्यामली, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस हेल्दी टेस्टी नाश्ते को आज हम 1 कप पोहे से बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है मोटे वाले 1 कप पोहे और अब हम पोहे को गर्म पानी में भीगने के लिए रखते हैं। कुछ सेकंड रुकते हुए इस तरीके से चम्मच चला ले ताकि पोहे से गंदगी भी अलग हो जाए और पोहे फूल जाए। और अब हम पोहे को पानी से अलग कर लेते हैं, तो इस तरीके से स्ट्रेनर पे निकालें और अब इस तरीके से रूम टेम्परेचर का ऊपर से पानी डालें ताकि पोहे साफ हो जाएं। और अब 2 मिनट के लिए इसी तरीके से स्ट्रेनर पे पोहे को छोड़ दें ताकि अच्छे से फूल के सॉफ्ट हो जाए। और अब एक दूसरा बोल लीजिए, उसमें डालिए 1/4 कप यानी 4 टेबल स्पून सूजी। और अब सूजी में डाल दीजिए 1/4 कप दही। तो दही हल्की खट्टी है इसलिए मैंने थोड़ा कम लिया है, अगर आपकी ताजी दही है तो 1-2 चम्मच दही की मात्रा बढ़ा सकते हैं। और अब हम सूजी और दही को इस तरीके से मिला लेते हैं ताकि दही में सूजी अच्छे से भीग जाए और फूल के सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। सूजी को मिलाने के बाद हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखते हैं। तो जब तक पोहा और सूजी फूल रहे हैं तब तक इस नाश्ते के साथ खाने के लिए हम मज़ेदार आसान चटनी बना लेते हैं। तो चटनी जार में डालिए 2 टेबलस्पून भुनी हुई मूंगफली, साथ ही डाल दीजिए 2 बड़े चम्मच नारियल पाउडर यानी कि खोपरा पाउडर। तो आप ताज़े नारियल के टुकड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब डाल दीजिए 2 सूखी लाल मिर्च। तो लाल मिर्च का बीज मैंने निकाल दिया है ताकि चटनी ज़्यादा तीखा ना हो, वैसे आप चाहे तो 1 मिर्च भी डाल सकते हैं। और अब 1 इंच अदरक डाल दीजिए, 2 लहसुन की कलियाँ, 1/2 टीस्पून जीरा, नमक स्वाद अनुसार। और अब खटास के लिए डाल दीजिए 1 चम्मच दही। आप दही के बदले नींबू का रस डाल सकते हैं, इमली का छोटा टुकड़ा डाल सकते हैं। और अब हम 1/4 कप पानी डालते हैं और चटनी को पीस लेते हैं। तो लीजिए बहुत ही टेस्टी चटपटी हमारी चटनी तैयार है, कलर कितना शानदार आया है। तो बस हम चटनी को बोल में निकाल लेते हैं। टोटल मैंने 1/3 कप पानी का इस्तेमाल किया है। इसी तरीके की पतली सी चटनी आप ही रखिएगा, क्योंकि मूंगफली नारियल पानी सोक करेगी तो थोड़ी देर के बाद चटनी गाढ़ी हो जाएगी। और अब हम चटनी पे तड़का लगाएंगे। तो तड़का पैन में मैंने 1 छोटी चम्मच ऑयल डाला है। तेल जब गर्म हो गया तो चूल्हे से उतार लिया है। और अब डाल दीजिए 1/4 टीस्पून राई, 6 से 7 करी पत्ता और 1 सूखी लाल मिर्च। एक बार मिला ले। और अब हम गर्म गर्म तड़के को चटनी पे डाल देते हैं। तो लीजिए फर्स्ट क्लास बहुत ही आसान तरीके से टेस्टी चटपटी चटनी तैयार है, जिसे आप किसी भी प्रकार के साउथ इंडियन रेसिपीज, रोटी पराठे चावल दाल स्नैक के साथ एंजॉय कर सकते हैं। हर खाने का स्वाद 4 गुना बढ़ा देगी ये चटनी, तो आप 2 दिन तक फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं। इधर पोहा भी फूल के सॉफ्ट हो गया है, देखिए कितने खिले खिले से हैं। तो बस हम वापस से पोहे को बोल में डाल देते हैं और अब हम कुछ सेकंड के लिए इस तरीके से हाथों से मैश कर लेते हैं। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितने अच्छे से मैश हो रहा है। तो कुछ सेकंड के लिए मैश कर लिया है और अब मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए कितनी सॉफ्ट है, बिल्कुल भी गीला गीला सा मिक्स नहीं है और ना ही ड्राई है। तो जब डो की तरह पोहा हो जाए तो ऊपर से डाल दीजिए दही में भीगी हुई सूजी। तो इस तरीके से सूजी और पोहे को अलग अलग भिगो के रेसिपी बनाइएगा तो रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। और अब हम डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। फ्लेवर के लिए डाल दीजिए 1/4 टीस्पून अजवाइन, आप चाहें तो अजवाइन को स्किप कर सकते हैं। और अब 5 से 6 करी पत्ता को बारीक काट के डालें, तो करी पत्ता से नाश्ते में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ जाता है। और अब मैंने 1 सूखी लाल मिर्च को इस तरीके से लंबाई में काट लिया है, टीस्पून के नाप से 1/4 टीस्पून। आप चाहें तो इसके बदले चिली फ्लेक भी डाल सकते हैं या पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं। और अब हम वापस से सभी चीज़ों को मिला लेते हैं। तो सूजी के मिक्स में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, इसलिए जब पोहा सूजी को मिला के डो बनाए तो ऊपर से बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल ना करें। और अब हम 1 मिनट तक अच्छे से चिकना कर लेते हैं और डो की तरह बना लेते हैं। तो आज मैं आपको बिना सोडा बिना इनो का
ये नाश्ता बनाना बता रही हूँ, इसलिए इसी तरीके का सॉफ्ट डो होना चाहिए, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होना चाहिए। सबसे अच्छी बात, आप इस तरीके से डो बना के 2-4 घंटे पहले भी ढकते हुए फ्रिज में रख सकते हैं। और अब हम नाश्ते को आकार देंगे, उससे पहले हाथों को साफ कर ले। और अब हम थोड़ा सा हाथों में ऑयल लगा लेते हैं और थोड़ा थोड़ा मिक्स हाथ में लेते हैं। तो नींबू के आकार से छोटा हमें बॉल लेना है। इस तरीके से हमें छोटी छोटी गोली बनानी है। गोली बनाने के बाद हाथों से हल्का सा दबाव दे दे, पेड़े जैसा। तो मैं आपको एक बार नजदीक से दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी कहीं से क्रैक नहीं है। तो बस प्लेट में रख ले। तो हम छोटे छोटे बताशे जैसा नाश्ते को आकार दे देते हैं। तो लीजिए, हमने सभी पोहे के बताशे यानी छोटी छोटी टिकिया बना लिया है और मैं एक पर एक चढ़ा के रखी हूँ ताकि आप देख पाएं कि बिल्कुल भी एक दूसरे में जाके नहीं चिपकते हैं। तो आज हम नाश्ते को स्टीम करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छन्नी का इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके की छन्नी अक्सर घर में रहती है। तो बस चारों तरफ हम अच्छे से ऑयल लगा लेते हैं। वैसे आप चाहें तो किसी भी प्रकार के स्टीमर का इस्तेमाल कर सकते हैं या मोमो स्टैंड या इडली के सांचे में भी बना सकते हैं। तो बस हम थोड़ी दूरी दूरी पे इस तरीके से नाश्ते को रखते हैं। तो हमने सोडा नहीं डाला है, लेकिन उसके बावजूद भी जब नाश्ता स्टीम होगा ना, तो थोड़े थोड़े फूल जाएंगे और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। तो बस इसी तरीके से हम थोड़ा दूरी बनाते हुए नाश्ते को अच्छे से भर लेते हैं। और सबसे अच्छी बात, आपको बार बार स्टीम करने की ज़रूरत नहीं है, एक पर एक चढ़ाते हुए रखे, एक ही साथ सारे स्टीम हो जाएंगे। तो आज हम स्टीम कढ़ाई में करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने डाला है 2 कप पानी, फ्लेम को हाई कर दिया है ताकि जल्दी से उबाल आ जाए। तो पानी में उबाल आ चुका है, फ्लेम को कम कर दीजिए। और अब हम कढ़ाई के ऊपर रखते हैं छन्नी। तो ध्यान देने वाली बात, तो पानी और छन्नी के बीच थोड़ा सा फासला होना चाहिए, बिल्कुल भी सटा के ना रखें। तो इस कढ़ाई में मेरी छन्नी फिट हो रही थी और अब हम फ्लेम को मीडियम कर देते हैं और ढकते हुए हम 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम कर लेते हैं। तो लीजिए, नाश्ते को पकते हुए 10 से 12 मिनट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फूल गए हैं और पक गए हैं। तो बस हम किचन टॉवल से पकड़ते हुए सावधानी पूर्वक बाहर निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी काफी गर्म है, लेकिन मैं आपको अभी ही चम्मच से दिखा देती हूँ। देखिए कितने अच्छे से बाहर की ओर आ रहे हैं, बिल्कुल भी चिपके नहीं हैं। तो अभी आप नाश्ते को छुएंगे तो थोड़े से गीले गीले से लगेंगे, लेकिन जैसे ही 2 मिनट होगा पूरी तरीके से नाश्ता हमारा ड्राई हो जाएगा और खिला खिला हो जाएगा। तो बस इस तरीके से दूसरा प्लेट रखे और छन्नी को पलटी कर ले, हल्का सा टैप करे। तो आप देख सकते हैं कितने आसानी से बाहर आ गया है। तो आप चाहें तो इसी तरीके से चटनी संग खा सकते हैं, लेकिन हम और भी ज़्यादा टेस्ट बढ़ाने के लिए तड़का लगाएंगे। तो बस मामूली सा ऑयल हम कढ़ाई में डालते हैं, करीब 1 छोटी चम्मच, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी ऑयल ना डालें। और अब 1/4 टीस्पून राई डाल दें, 1/4 टीस्पून जीरा, 2 से 4 बारीक कटा करी पत्ता। और अब डाल दीजिए ये पोहा का नाश्ता। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से खिला खिला है। और साथ ही डाल दीजिए 1 चम्मच धनिया पत्ती। तो बस मिलाने भर मिक्स कीजिए ताकि तड़का चारों तरफ कोट हो जाए। तो धीमी आंच पे बहुत ही अच्छे से मिला लिया है। तो चलिए गर्मा गर्म हम सर्व करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है पोहा का सबसे टेस्टी हेल्दी मज़ेदार नाश्ता, जिसे देखते ही बनाने का आपको मन करेगा। और अब हम साथ में इस मज़ेदार चटनी को भी सर्व कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में मेहमानों के लिए कभी भी बना सकते हैं। परिवार के सभी सदस्य को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। जब एक ही तरह के नाश्ते से मन भर जाए तो मुंह का स्वाद बदलने के लिए इस नाश्ते को ज़रूर बनाएं, जिसे बनाना इडली डोसा से भी आसान है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितने ज़्यादा सॉफ्ट है, रोज इतना ही सॉफ्ट है। तो गर्म खाइए, ठंडा खाइए, कैसे भी खाइए, बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आने वाला है। तो एक बार बनाना तो बनता है, कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा। वीडियो के लास्ट में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप चाहे तो मुझे अपनी पेज श्यामली किचन, इंस्टाग्राम श्यामली किचन पे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर।